और प्यार से देखो। अरे हमारी गांड फटी हुई है, कहां से लाएंगे प्यार? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फहाद है और दिन में स्ट्री के ऊपर स्ट्री बॉलीवुड का एक मूवी ट्रेलर है जिसमें राजकुमार राव एंड श्रद्धा कपूर है, जिसका सॉन्ग अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था जो मीका सिंह ने गाया था, जो उसका नाम था मिलेगी मिलेगी सबको मिलेगी। तो क्या मिलेगी वो तो मुझे नहीं पता कि क्या मिलेगी। एंड देन कॉमेडी राजकुमार राव तो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं और उनकी मूवीज मैंने सारी देखी भी है। तो श्रद्धा कपूर भी जो है वो उनको मैं बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ क्योंकि इनकी दो तीन मूवी मैंने देखी नहीं थी। इनकी बागी टू के बाद मैंने कोई मूवी नहीं देखी, बागी के बाद सॉरी बागी टू नाम लिया, बागी के बाद मैंने इनकी मूवी नहीं देखी। आई है बहुत सारी मूवीज आई है, मैंने देखी नहीं है। लेट्स स्टार्ट ट्रेलर स्ट्री मेडो जेड जियो स्टूडियो। कई साल पहले शहर में एक सुंदर आकर्षक दृश्य हुआ करती थी। शहर का हर पुरुष उसके सपने देखा करता। आखिर उसको एक ऐसा मर्द मिला जो उसके शरीर से नहीं उसकी आत्मा से प्यार करता था। सच्चा प्यार। और एक तुम्हारी जनरेशन का प्यार है, फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। कहां जा रही है हमारी युवा पीढ़ी? ये नहीं नहीं बनाते हैं कंप्लीट लेडीज फैशन, घाघरा लहंगा चूड़ीदार पटियाला अनारकली कैसा रिपीट जैसा बोल रहा है यार, कुर्ती करारा शरारा मिरर वर्क स्टोन वर्क डिजाइनर भाई कैसा बोल रहा है यार, याद कैसे किया हाल। मैं यहाँ नहीं रहती लेकिन पूजा के टाइम हर साल आ जाती हूँ। जी हमारा हाथ पकड़ा और बोली विक्की प्लीज। क्या तुम्हारा हाथ पकड़ और बोली विक्की प्लीज? वही तो कह रहे हैं विक्की प्लीज। तुम्हारा नन्ना प्रेम नहीं है, हाथ लो विक्की विक्की प्लीज। अच्छी मूवी है यार। प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं नहीं क्यों? मोर मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर की चोंच लंबी और पेनी होती है। मोर की ऊंचाई लगभग 1.5 फुट होती है। मोर जब सावन के मौसम में झूम उठता है तो लोग उसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जैसे हम आपको देख के मंत्रमुग्ध हो। मिलेगी मिलेगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड भूतिया है साले। क्या बकवास कर रहे हो? क्यों हर साल तुम्हारी साली एक गर्लफ्रेंड पूजा के टाइम ही आती है और इसकी गर्लफ्रेंड अगले 4 रात वो शिकार पे आने वाली है। कौन? स्त्री। स्त्री पुरुषों को उठाती है और सिर्फ वस्त्र छोड़ती है। पुरुष को उठाती है तो पहले तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारेगी। तुम्हें क्या करना है? फौरन चप्पल निकालो, हाथ में लो और भागो। उसको सबका नाम कैसे पता चल जाता है? सबका आधार लिंक है उसके पास। आधार लिंक कुछ नहीं हो जाए पलटना मत। इस साल मर्द को देखना आज तो साले के कपड़े ही मिलेंगे। दर्द होगा। खुलता कैसे? काफी अच्छा ट्रेलर है, कॉमेडी भी है एंड अद्भुत की बात अच्छी लगी मुझे। उसकी आंखों में देखो, आंखों में प्यार की भूखी है वो, प्यार से देखो। प्यार और प्यार से देखो। अरे हमारी गांड फटी है, कहां चलाएंगे प्यार? या काफी अच्छा ट्रेलर था। और राजकुमार राव की मैं बात करूं तो मैंने उनकी सारी जो है वो मूवीज देखी है, बगैर उसके बहनों की तेरी तो वो मैंने नहीं देखी। एंड देन राजकुमार जो एक्टिंग करता है उनकी अच्छी एक्टिंग होती है, बात उनका स्टाइल अच्छा है, जो उम्र के लगते हैं तो वो अच्छे लगते हैं क्योंकि अब उनके स्टाइल अब पुराने सलमान खान का देख ले तो वो उनके उतना मज़ा नहीं आता उनकी फिल्म देखने में, जो नए लड़के आके नए एक्टर करते हैं तो वो अच्छे। श्रद्धा कपूर भी मैंने जैसे बात की, इनकी बागी फिल्म मैंने देखी थी, इसके बाद मैंने इनकी कोई मूवी नहीं देखी। ये इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे, 31 अगस्त को रिलीज़ होगी एंड 2-3-4 दिसंबर को सितंबर को ये इंटरनेट पर आ जाएगी, देख लेंगे। और स्त्री नाम है, स्त्री मैं स्त्री नाम है, स्त्री नाम है तो स्त्री काफ़ी अच्छा है। एनिमेटेड जियो स्टूडियो प्रेजेंट है और ये 31 अगस्त को रिलीज हो पाकिस्तान में भी शायद हो, क्योंकि 31 अगस्त तो उन दिनों में पाकिस्तान की जो अपनी मूवीज़ होती है क्योंकि ईद होगी तो ईद में फिर उसके बाद में रिलीज़ नहीं होगी, हो जाएगी रिलीज़ के 1-2-3 हफ्ते बाद हो जाएगी। एंड देन तब तक तो इंटरनेट पर भी आ गई होगी तो काफ़ी अच्छी बात है।
कि ये मूवी जो है पाकिस्तान में रिलीज हो जाए. एंड देन के मुझे तो स्टोरी अच्छी लगी, ऐसी स्टोरी मैंने देखी नहीं एंड फर्स्ट टाइम कि इस साल मर्द को दर्द होगा एंड कि पुलिस वालों के कपड़े मिलेंगे. तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन था. लास्ट वाला सीन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं बताना नहीं चाहता कि क्या भूल है. एंड देन के यार मुझे इसी तरह कॉमेडी की मूवीज़ एंड एक्शन की मूवीज़ अच्छी लगती है. कि मूवीज़ के ट्रेलर पर डायरेक्शन दे रहा हूँ, पाकिस्तानी इतने आ रहे नहीं है तो आज मैं और भी आगे देता हुआ जाऊँगा. तो उसके लिए अगर आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं. तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं हमारे साथ. एंड किसी वीडियो पे रिएक्शन देखने चाहते हैं तो उसका नाम और लिंक कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करो, ताकि इस वीडियो पे मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए रिएक्शन दे सकूँ. आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.